नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के पटन देवी मंदिर में मां दुर्गा का दर्शन करने वहां पर गए थे। मीडिया से जब बात की तो कहा कि यहां पर हम पहले भी आते रहे हैं, 2 साल कोरोना की वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन ये काफ़ी पुरानी जगह है, यहाँ पर कई लोग आते हैं और हम भी कई सालों से आते रहे हैं। लेकिन जब सुधाकर सिंह, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बारे में जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो वो साफ कुछ बोलने से मना कर दिए, लेकिन एक लाइन में धीरे से जवाब आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीएम नीतीश ने बड़ा बयान दिया है सुधाकर सिंह को लेकर के। लगातार जब से सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बने तभी से वो सुर्खियों में थे, कई बार अपने ही विभाग का आलोचना कर चुके थे और नीतीश कुमार के कार्यकाल पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, चोरों का सरदार खुद को बता रहे थे और विभाग के जितने भी अधिकारी थे सबको चोर बता रहे थे। एक मंच पर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जूता से मारिए जो अधिकारी पैसा मांगता है और काम नहीं करता है। इससे नीतीश कुमार काफ़ी नाराज चल रहे थे, लेकिन कल सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया। खबरें हैं कि वो इस्तीफा दिए नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। लालू यादव ने माफ़ी मांगने की शर्त रखी थी, माफ़ी नहीं मांगा नीतीश कुमार से तो वो इस्तीफा दे दिए, उनसे इस्तीफा लिया गया। लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खबरें हैं कि जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। कल कार्यालय से निकल गए और अपना सारा सामान जो है वो कार्यालय से ले करके निकले, तो उनका भी ये चांस है कि वो अब आरजेडी के दफ्तर में नहीं आए। कुछ दिन पहले ही वो फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने, सर्वसम्मति से उनको प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन अब जो है मामला बिगड़ गया है, उनके बेटे मंत्री थे बिहार सरकार में, वो इस्तीफा दे दिए और जगदानंद सिंह भी काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। और नीतीश कुमार का यहाँ पर बयान आना कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में फिर से कोई ना कोई बयानबाजी सुधाकर सिंह या फिर जगदानंद सिंह की तरफ से सुनने को ज़रूर मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।